नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश शासन के राज्य मंत्री, आयु स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग के राम किशोर कांवरे का आगमन हुआ, जहां स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं महाविद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। वही वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कांवरे, अजाक मंत्री सुश्री मीना सिंह, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नारायण सिंह एवं समस्त जनप्रतिनिधिगढ़, कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ईला तिवारी, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा एवं समस्त अधिकारियों सहित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सी वी शोधिया, डॉक्टर एम एन स्वामी सहित महाविद्यालय के समस्त स्टाफ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। वही प्रभारी मंत्री महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के लिए रवाना हुए, जहां प्रभारी मंत्री राम किशोर ने बताया कि जिले के समस्त अधिकारी जिम्मेदारियों का तन्मयता के साथ निर्वहन कर जिले के विकास को गति प्रदान करें एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर उनकी मदद भी ले, जिससे विकास कार्य समय सीमा से गुणवत्ता के साथ पूरे हो सके एवं इन कार्यों में अगर कोई कठिनाई आ रही हो तो उनका भी निराकरण किया जा सके एवं जल जीवन के मिशन के सभी कार्य समय पर पूर्ण कराने और जिन कार्यों में देरी हो रही है उन ठेकेदारों के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने एवं पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो सड़कें खराब हुई हो या पाइपलाइन खराब हुई है उसकी मरम्मत कराने में तकनीकी दल के माध्यम से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वही अजाक मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करें एवं जन समस्याओं के निराकरण के लिए और भी अधिक प्रयास किए जाएं। वही जिला कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिकारियों के माध्यम से पालन कराने की बात कही है। वही जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री ज्ञानवती सिंह ने बताया कि DMF बैठक की जानकारी मुझे नहीं दी गई है, जिसकी शिकायत मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से करूंगी। रिपोर्टर शंकर सिंह उमरिया। प्रभारी मंत्री माननीय रामकिशोर कांवरे जी का उमरिया आगमन हुआ और उमरिया आगमन के पश्चात उमरिया विश्राम गृह पहुँचे माननीय मंत्री जी और वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चर्चाएं की। इसके पश्चात वहाँ से चलकर शासकीय महाविद्यालय विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय और आदर्श महाविद्यालय पहुँचे। यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम था, जो दोनों महाविद्यालयों में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। साथ में माननीय मंत्री श्री मीना सिंह जी भी रही, बांधवगढ़ के विधायक भी रहे सिद्धार्थ सिंह जी और भाजपा जिलाध्यक्ष भी रहे और साथ में कार्यकर्ता भी रहे। साथ में युवा उद्यमी द्वारा आज वाद्य यंत्र भी कॉलेज को भेंट किया गया है। शासकीय महाविद्यालय उमरिया में आज वृक्षारोपण की जो एक अंकुर कार्यक्रम की योजना है उसके अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री रामकिशोर जी, सुश्री मीना सिंह जी और माननीय विधायक जी तथा अध्यक्ष बीजेपी के पांडे जी उपस्थित रहे। इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और बच्चों ने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी ने वृक्षों को रोपित करके और खुशहाली जाहिर की। समय समय पे विभाग की समीक्षा बैठक होती है और जो कुछ हम 2 महीना पहले निर्देश दिए थे उसका पालन प्रतिवेदन लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि जो हमने टारगेट दिया था उस टारगेट को पूरा किए कि नहीं। यदि नहीं किए हैं तो फिर हम संबंधित अधिकारी से पूछताछ करते हैं, उनके विरुद्ध नियम अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है वो प्रस्तावित भी करते हैं। आज हमारे जल जीवन मिशन है, हमारे राजस्व हैं, इन सभी विभागों की हमने समीक्षा किया है और हमने उनको टारगेट दिया है कि हमारे अपने समय सीमा पे सारे काम होना चाहिए ताकि हमारे जो जनता है इनको लाभ मिले। मंत्री जिला हो, कौन ब्लैकिंग स्टेट है, अगर उस पर कोई मेरे पास में दस्तावेज हो तो मैं कार्रवाई करूँगा उसके खिलाफ। हमें जो हमारे बच्चे हैं हमारे उमरिया के, अभी SP वाला हमारे उमरिया ने मुझे आज माननीय प्रभारी मंत्री जी का यहाँ पे आगमन हुआ और कलेक्ट्रेट परिसर में समीक्षा बैठक का पहले जानकारी हुई कि समीक्षा बैठक होगी यहाँ जे कलेक्ट्रेट कार्यालय में।
तो माननीय प्रभारी जी, माननीय मंत्री मीना सिंह जी, माननीय विधायक शिव नारायण सिंह जी समीक्षा बैठक में शामिल रहे और कलेक्टर के माध्यम से मुझे जानकारी गया कि 4 बजे DMF की बैठक होगी जिला मतलब कलेक्ट्रेट में, और मैं आके यहाँ पे 3 बजे से बैठी हूँ, मतलब 3:30 बजे से यहाँ बैठी हूँ कलेक्टर चैम्बर में, और लगातार मेरे द्वारा खनिज अधिकारी को फोन लगा के पूछती हूँ कि DMF की बैठक शुरू हुई कि नहीं हुई। उनके द्वारा ये जवाब आती रही अंदर से कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। और अभी मैं कलेक्टर महोदय से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि DMF की बैठक हो गया, DMF की बैठक कलेक्टर साहब के चैम्बर में हुई है। मुझे खेद है, मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष हूं और DMF की एक सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूं, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूं और समर्पण राशि के भी प्रभारी हूं, अभी मुझे बनाया गया है। लेकिन बड़ी खेद के साथ यहां पे मुझे आप लोगों के सामने बताना पड़ रहा है कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है हमारी जिला की, कैसे काम होगी मध्य प्रदेश सरकार की, जो सरकार की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि एक अंतिम में बैठे व्यक्ति को हम अपनी लाभ पहुंचाएंगे। यहां लाभ है तो ठीक है, पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ प्रशासन पक्षपात कर रही है, मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा, चुप चुप है चैम्बर में बैठक कराई जा रही है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूं और इसकी जानकारी मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव और माननीय पंचायत मंत्री जी को और माननीय प्रभारी मंत्री जी को मैं लिखित में दूंगी, और इसकी लिखित शिकायत में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी दूंगी कि इस टाइप से पक्षपात यहां के प्रशासन कर रही है। धन्यवाद, जय हिंद। संक में फिलहाल इतना ही, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज चैनल के साथ।